नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती सक्सेना और आज आपको सुना रही हूँ मिन्नी मिश्रा जी की कहानी, जिसका शीर्षक है गजरे वाली रात। कंबख्त टिक टिक करती घड़ी की सुइयों ने कब मुझे उनकी नज़रों में चंद्रमुखी से ज्वालामुखी बना दिया, पता ही नहीं चला। खाना पीना, उठना बैठना, हर जगह साथ जाना, एक दूसरे पर मर मिटना, ये सब कुछ सपना सा लगने लगा। अब पहले जैसा नहीं रहा, बात बात पर इनसे तकरार होना जैसे हमारी नियति बन गई। उफ, वो शादी की रात, जैसे ही इनका स्पर्श हुआ मेरा तन मन पुलकित हो उठा। ऐसा लगा मानो पूरी कायनात आंचल में सिमट आई हो। और वाह, उसी दिन से मैं अपने को दुनिया की सबसे भाग्यशाली पत्नी समझने लगी। मुझे क्या पता, सास ससुर ननद देवर बच्चों की जिम्मेदारी निभाते निभाते हमारे सारे अरमान गृहस्थी के चूल्हे में झुलस जाएंगे। कोलू की बैल की तरह हम इस तरह से पिसते गए कि हमारा दाम्पत्य ही हमसे रूठ गया। इन्हें याद है भी या नहीं, आज 35वीं एनिवर्सरी है। सुबह से शाम हो गई, इन्होंने सीधी मुंह मुझसे बात भी नहीं किया। सामने पड़ते ही बहस शुरू, बात कुछ नहीं, बात बढ़ जाती। आजकल के लोगों की तरह नहीं, जो मन न मिला तो तुरंत डाइवोर्स। हमारे संस्कारों में इस तरह की घुट्टी पिलाई गई है कि जिसका हाथ पकड़ा जन्म भर साथ निभाना है। मैं पत्नी जो ठहरी, उनसे बात किए बिना मुझे चैन कहाँ। कितनी भी कठोर बनना चाहूं, उनको देखते ही पसीज जाती। क्यों मेरी बात उन्हें नहीं सुहाती, क्या कमी रह गई। यही ना, पहले जैसी षोडशी नहीं रही। देह आकर्षण ही सब कुछ नहीं होता, यही सोच सोच कर मैं हमेशा परेशान रही। रीना ओ रीना, पति की आवाज आई। मैं चारपाई से उठकर जल्दी से उनके पास पहुंच गई। पार्क जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लो। मैं चलूँ, अनायास दो शब्द मेरे मुंह से फिसल गए। कुछ देर तक इनकी खामोश नजरें मुझे घूरती रही और मैं स्तब्ध पैरों के नाखूनों से जमीनों को खुरचती रही। चलो, सुनते ही मचा बवंडर थम सा गया। इनके साथ मैं भी चल पड़ी। सामने वही गजरे की पुरानी दुकान नजरें ठिठक गई। इनकी नजरें मुझ पर टिक गई। एक जमाना था, यहीं से एक गजरा नित्य कचहरी से लौटते वक्त ये मेरे लिए लाया करते थे और हमारी हर रात गजरे वाली रात होती थी। अरे ये कहाँ, मैंने पलट कर देखा, धक से रह गई। उसी गजरे वाली दुकान के पास हाथ बढ़ाए खड़े थे। गजरे के पॉलीथिन को पॉकेट में रखते ही इनकी चलने की दिशा बदल गई। मैं हड़बड़ाकर उनके पास पहुंची और साथ चलने लगी। दोनों वापस घर आ पहुंचे। इन्होंने झट दरवाजा बंद किया और नम आंखों से गजरा लिए मेरे सामने खड़े हो गए। जूड़े में गजरा लपेटते हुए आहिस्ता से बोले, हैप्पी एनिवर्सरी। मुझे लगा जैसे वक्त ने फिर से करवट ले ली। अप्रत्याशित मधुर आवाज से मेरा दग्ध तन मन पुलकित हो उठा। कुछ पल के लिए आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। सारे शिकवे शिकायत प्रेम के प्रचंड आवेग में बह गए। मैं इनसे निपट गई, इनके अधरों का स्पर्श हुआ, सांसों की गर्माहट से दिल में
हलचल मच गई। दोनों दिलों की धड़कनें अब एक स्वर से कहने लगी, देखो हमारी दग्ध बगिया फिर से हरिया गई है। ये कहानी थी मिन्नी मिश्रा की, और आप सुन रहे थे भगवती सक्सेना की आवाज़ में। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।